रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोया मैम से करण सब बात तक नहीं कर रहे। जिस तरह सोया करण को सपोर्ट करती है ना, वैसे और कोई नहीं करता है। करण इंपल्सिव है, स्टूपिड डिसीजंस लेता है। सोया उसकी सेफ्टी चेक थी, बट नाउ इज ऑल अलोन। बट आर्यन सर, अगर सोया मुझे सस्पेक्ट करेगी तो? दिव्या, तुम घबरा क्यों रही हो? तुमने जो किया है ना, और कोई नहीं कर सकता था। ये केस तुम्हारे बिना पॉसिबल ही नहीं होता। दिव्या, ये वीडियो तूने जोया के लैपटॉप से अपलोड करके सबसे अच्छा काम किया है। अब करण को यही लगेगा कि जोया उसके पीठ पीछे सनम को हेल्प कर रही है। दिव्या, अब मैं चाहता हूं कि तुम करण के करीब रहो, क्योंकि जोया के बाद अगर करण किसी को ट्रस्ट करता है तो तुम हो। By the way, टिप्सी और करण की डील क्या है? Are they still together? रोमिला, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? दीदी, do you love me? दीदी, हमारे प्यार की कसम दीदी, मुझे बताना है। I don't believe this. तुम अब भी करण खन्ना का पीछा कर रही हो? अभी तक? Move on. दीदी, अभी काहे का move on? अब तो मैं legit हूँ। मेरी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी है दीदी, अब तो मैं ये पूरा जस्टिफिकेशन के साथ कर सकती हूँ ना। रियली रोमिला? यस। तुमने करण खन्ना के अलावा आज तक कोई केस लिया है? एक्सक्यूज मी दीदी, मीरा को कभी आपने क्यों पूछा है? एक्सक्यूज मी मीरा, कृष्णा के अलावा तुम किसी और के भजन गाओगी? नो ना, ऑफ कोर्स नॉट। दीदी मैं कह रही हूँ, ये जो करण की मैनेजर है ना, वो बहुत बड़ा झोल करने वाली है। श्री रोमिला, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Yes, obviously, दीदी, तुम मेरे दिल पर, मेरे जानू, मेरे जाने मन के साथ हो ना, तो मुझे बताना पड़ता है आपको। देखो, ये जो मैनेजर है ना, वो जितनी सीधी दिखती है उतनी टॉइंग है वो। पता है, वो करण के साथ कुछ कुछ तो करने वाली है। सब सोया ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आप दिव्या, यू आर स्टिल माय मैनेजर, ओके? चल। थैंक यू सर। तुमको मैं ऑफिस में मिलता हूँ। श्योर सर। और आपको क्या चाहिए? चेक चाहिए? ऑफ कोर्स, शाम तक मिल जाएगा। बाय द वे, अभी अभी तुम आई थी थोड़ी देर पहले, अब तुम जा रही हो? आज तो संडे है, आज कहाँ जा रही हो? चैरिटी।
हाँ वेद, या या आई एम ऑन माय वे, या तू कितनी ग्लो कर रही है, कितनी क्यूट लग रही है प्रेग्नेंट में। अरे बहन प्लीज बहन, कितना हक करेगी यार, आराम से। Doesn't she look beautiful? Of course she does. She. Yeah, right. If Santa Claus is your type. Sherry, sorry bolo. Sorry na babu. You know, pregnancy hormones, you know. I know, baby. Behan, tune kaise manage kiya tha Pia ke time pe? You know, aajkal mera constant status hota hai that I want to punch you in the face. Acha, ye bata, Pia kahan hai? Amma wo play school. What? Aur Karan nahi aaya? हाँ वो एक्चुअली आउटडोर शूट पे हैं तो इसीलिए। अच्छा तो फोन पे बात करा उससे। वैसे भी करण शूट पर फोन नहीं उठाता, ही इज वेरी प्रोफेशनल। टिप्सी, अच्छा हुआ तूने करण से सुलह कर ली, इतनी खुश में इतने सालों में नहीं हुई। अगर तू ये नहीं करती ना तो मैं मुंबई कभी नहीं वापस आती। इसमें बेबी है? हाँ। ये वहां अंदर कैसे गया? बाहर ना विशाल मौसा जी है ना, उनसे जाके पूछो, ठीक है? ओके। विशाल मौसा। तू इसे प्रोटेक्ट करने के लिए करण के साथ है? क्यों? आफ्टर व्हाट ही डिड टू यू टिप्सी? बहन तूने अपने दिमाग में जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है ना। तुझे क्या लगता है शेरी, मैं ये सब जानती नहीं हूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? पेरी उमा को तूने आज तक नहीं बताया कि दैट करण वाज एन एक्सीडेंट? वो तो अभी तक यही समझती कि गलती तेरी है। अच्छा है कि वो समझते हैं कि गलती मेरी है, कम से कम थोड़ी उम्मीद तो बाकी है उनके मन में। अगर उन्हें ये पता चल गया ना शेरी दैट करण इज द वन हु रॉन्ग मी, शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। नो सीरियसली, वो समझती हैं कि अम्मा के मन में मिस्टर खन्ना किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, और मैंने उनकी इमेज अम्मा के सामने कभी टूटने नहीं दी। ठीक है, सो व्हाट अबाउट वेद देन? व्हाट अबाउट हिम? एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल किया था, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए, और ऐसे भी फैमिली डिनर है तो मैंने सोचा उन्हें होना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है। वेद, तुम करण से मिले हो? हाँ माँ, दो दिन बाद मिला। उसकी एनर्जी कितनी अच्छी है ना, बताए जब से मुझे पहली बार मिला है ना तब से मुझे अम्मा अम्मा कह के बुलाता है। अच्छा टिप्सी, तूने उससे बताया कैसे मेरे बर्थडे पे तुझे सरप्राइज किया था, है ना? अम्मा मैं भी था वहां पे, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे तू तो मेरे साथ रहता है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। चल तू खाना खा, थोड़ा दो दो। I'm sorry वेद, तुम मेरी हर बात में अननेसेसरीली ड्रैग हो जाते हो। इतना भी लाइट वेट नहीं हूं मैं कि ड्रैग हो जाऊं। मैं यहां हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हियर। आई वॉज मिसिंग यू टिप्सी। भिंडी कमाल है, भिंडी वेरी नाइस। टिप्सी इतना भी कुछ डीप नहीं कहा मैंने। तुम उस चैरिटी केस के साथ हो ना? मिस्टर खन्ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ जेलस हस्बैंड, आई एम जस्ट योर गिल्टी कॉन्शियंस। इतना सिंपल सा सवाल पूछा है और उसका जवाब भी नहीं दिया तुमने। तुम पक्का उस चैरिटी केस के साथ हो? आज हमें एक प्रीमियर में जाना है, तुम वापस कब आ रही हो? मैं बिजी हूं, नहीं आ सकती। एंड डोंट कॉल मी अगेन। हेलो, गॉड डैम इट। What is it, Mr. Khan? How dare you hang up on me? You will regret this. Don't do this again. I really don't care. Jesus. वो हमेशा मुझे चुनती है, मुझे पसंद करती है, तो फिर मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूं? मैंने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया? मुझे उसे बता देना चाहिए। Tipsy, I want to tell you something. हाँ बो मिस्टर खन्ना।
हाय पापा। पिया पिया हाय माय बेबी। हेलो हेलो। हाय गाइस। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। हाय अम्मा अम्मा। एक मिनट इधर आओ। अरे टिप्सी तो कह रही थी कि तू शूट में बिजी है। अरे आप यहाँ पर आ गई हो, शूट वूट सब कैंसल्ड। वैसे मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, मेरे को मिलना भी नहीं चाहती, मतलब इतने नाराज हो। अरे देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि एक बार करण को फोन तो कर दे। वो कहाँ मानती है किसी की बात। अच्छा ठीक है, चल टिप्सी करण को खाना दे दे, खाना खा के जाए। अम्मा खाना तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है एंड I feel कि आपको मिस्टर खन्ना अपना काम इस तरह से छोड़ के नहीं आना चाहिए। I mean you shouldn't be canceling your shoot. ये देखो अम्मा यार कैसी। No no no, आपको अपने काम में वापस जाना चाहिए। Please why are you doing this मिस्टर खन्ना? Why are you here? Because अगले एक महीने तक तुम किसी और मर्द के साथ नहीं दिख सकते। बाकी सबका अगर खाना हो गया है तो मैं सबको आइसक्रीम के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो चले बेटा। प्रिय अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जाके आ जाइए। ओके विद यू। चलो अम्मा आप जानती हैं ना बीपी की दवा मिस नहीं करते। तू घर से मेरे लिए दवाई लेके आया? ऑलरेडी 2 घंटे लेट हैं आप। अच्छा सुन, तू हमारे साथ आइसक्रीम खाने क्यों नहीं चलता? चल चल आ जा बैठ जा। चले करें। अच्छा तुम दोनों वहाँ बैठो, हम आइसक्रीम लेके आते हैं, ठीक है? स्ट्रॉबेरी? अभी यू आर सेइंग चॉकलेट, नाउ यू आर सेइंग स्ट्रॉबेरी। यू श्योर? हाँ? कौन सा खा रहे हैं? वी वांट स्ट्रॉबेरी, व्हाट डू यू वांट टेल मी? एक बात पूछूं, कॉर्नेटो या चोकोबार? क्या हो? आर यू एंग्री? ये बहुत ही पर्सनल सवाल था। Did I overstep a boundary? वैसे सीरियसली तुम्हारा गेम प्लान क्या है? तुम्हें टिप्सी से इतनी नफरत है तो why does it affect you that I'm close to her? Oh, hello, hello. ये love triangle ना सिर्फ तेरे दिमाग में, okay? Just get that straight. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और टिप्सी के बारे में। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम और टिप्सी एक साथ दिखाई नहीं दो, क्योंकि मेरा केस कमजोर पड़ जाता है। Because it's Trisha's waiting. I don't want people to gossip. That's it. Liar. झूठे मक्कार। Just saying. Liar हूँ by profession. Liar, झूठे मक्कारों को सिंगल आउट कर सकता हूँ। इस केस में तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बहुत सोचा, इतना बड़ा कार्ड था तुम्हारे पास। तुम्हारी बीवी तुम्हारे opposing lawyer के साथ collude करके तुम्हें फंसा रही, right? तुमने इसे यूज क्यों नहीं किया? It would have been much more simpler and quicker. But तुमने क्या चुना? To play house with Tipsy. सबसे inefficient solution to your problem. You know, it's unbelievable how desperate you are. रात के 11 बजे अम्मा की दवाई का बहाना बना के तुम मुझसे ये सब डिस्कस करने आया हो? I mean really? Get to the point. The point is तुमने टिप्सी को छोड़ तो दिया, बट यू कुडंट लेट हर गो। और अब जब वो वापस तुम्हारे सामने आई है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे वापस अपने पास कैसे रखूं, क्योंकि तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि यू मेड इट अबाउट रिवेंज रादर देन लव। मुझसे तुम्हें इसलिए चिढ़ नहीं है क्योंकि मैं सनम का लॉयर हूं, यू नो इट्स जस्ट अ जॉब फॉर मी, लेकिन तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि टिप्सी वॉज हैप्पी with another man. The time you spent hating her, she was happy with me. और जब भी तुम्हें उसे देखते हो तुम्हें यही लगता है, you know it very well, के you have made the biggest mistake of your life. Mistake? उस औरत ने जो मेरे साथ
आई वॉज पैरालाइज्ड ओके उस एक्सीडेंट ने जो कुछ नहीं तोड़ा ना मुझमें उस औरत ने वो कुछ भी तोड़ दिया एंड यू थिंक इट्स अ मिस्टेक यू नो आई डोंट गेट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज ये क्या माइंड कंट्रोल है वो जो जो वो करती है तुझपे आई मीन व्हाट इज इट मैन क्या अट्रैक्शन है तुम दोनों में हम दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं यार राइट बुलशिट 5 साल पहले तुमने एक बहुत बड़ी गलती की थी टिप्सी को जाने दिया पिछले 5 सालों में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की इन 5 सालों में आई डिड गो आफ्टर टिप्सी बट नाउ आई विल तुमने क्या बोला कि तुम दोनों में क्या अट्रैक्शन है कितने डेस्परेट हो तुम ये प्रूव करने के लिए कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी आई कैन सी योर डेस्परेशन और अब तुम चाहते हो कि क्या ऐसा करूं कि सब कुछ वापस से ठीक हो जाए क्योंकि डीप डाउन यू नो कि टिप्सी कैन नॉट चीट योर स्लिप इज शोइंग टिप्सी तुम्हारे पास जा रही थी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था दैट थॉट ऑफ लूजिंग हर तो एम्पैथी तुम्हारे साथ मुझे सॉलिड है बट आई विल हैव टू डू दिस फॉर मी बस 15-20 दिनों दिशा की शादी हो जाएगी कोर्ट केस तो खत्म हो ही जाएगा सॉर्ट आउट हो ही जाएगा और फिर तुम्हें अपना ये ड्रामा खत्म करना होगा फिर क्या करें टिप्सी विल लीव एंड देन आई विल नेवर लेट गो वेद कहाँ है वो चला गया ही जस्ट लेफ्ट आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं मिस्टर खन्ना लेट अस स्लीप हियर वो थकी हुई है और उस कमरे का एसी वर्क नहीं करता लेट अस स्लीप हियर मैं बाहर सोफे में सो जाऊंगा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं जस्ट आंसर मी वन थिंग वो डीएनए टेस्ट से तुमने मना इसलिए किया बिकॉज़ यू वांटेड टू गेट बैक टू मी आई डोंट नो ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे मिस्टर खन्ना ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि पिया उनकी